शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्लैकमेलिंग रैकेट में आरोपी साहिल सैयद का हर मामले में साथ देने वाली उसकी तीसरी पत्नी नीलिमा जायसवाल को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। साहिल की गिरफ्तारी से पहले नीलिमा फरार हो गई थी। क्राइम ब्रांच ने उसे वर्धा के सावंगी मेघे परिसर स्थित रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। नीलिमा के अलावा साहिल के भाई तौफीक को भी पुलिस ने धर दबोचा। शनिवार को कोर्ट में पेश कर पीसीआर की मांग की गई। वही बजाज नगर प्रॉपर्टी वाले मामले में साहिल का पीसीआर चल रहा था। शुक्रवार को उसे एमसीआर मिलने के बाद जेल रवाना कर दिया गया। मानकापुर में दर्ज एलेक्सिस अस्पताल के मामले में साहिल सैयद को शनिवार को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। शनिवार को पति पत्नी दोनों को कोर्ट में पेश कर पीसीआर की मांग की गई। बाइट नीलिमा जायसवाल के साथ मिलकर साहिल ब्लैकमेलिंग का रैकेट चलाता था। दोनों ने मिलकर एलेक्सिस अस्पताल के डायरेक्टर को यौन शोषण के मामले में फंसाया था। हर अपराध में नीलिमा साहिल का साथ देती थी। पांच पावली में मकान पर कब्जा जमाने के मामले में भी साहिल और गिरधर के अलावा नीलिमा भी शामिल थी। साहिल की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस नीलिमा की तलाश कर रही थी, लेकिन नीलिमा साहिल के पहले से ही अंडरग्राउंड हो गई थी। पाचपोली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होता 420 धोखाधड़ीचा। तर त्या गुन्ह्यामध्ये साहिल सैयद सोबत नीलिमा तिवारी उर्फ जयस्वाल ही फरार होती। तर तांत्रिक व गुप्त बातमीदारांमार्फत आम्ही माहिती काढली। तर आम्हाला अशी माहिती भेटली की सावंगी मेघे म्हणजे वर्धा जिल्ह्यात ते लपुनेगा फ्लॅटमध्ये राहत आहे। तर आम्ही आमचे PSI चौरसे साहेब आहे व त्यांच्या चमू हे तिथे सावंगी मेघे इथे गेले आणि फ्लॅटमध्ये छापा करून त्याला पकडून आणलेलं आहे। त्यासोबत मानकापूर इथे पण एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यामध्ये तौफिक सय्यद हा साहिल सय्यदचा भाऊ आहे छोटा, त्याला पण पकडण्यात आलेलं आहे। आता पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। त्यांच्याकडून 10 सॅमसंग कंपनीचा S10 मोबाईल जप्त करण्यात आलेला आहे। तसंच एक विवो कंपनीचे मोबाईल जप्त करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपूर।